आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। खानी, क्या पुरानी पैकिंग में नई कहानी या घर का भेदी लंका ढाए, और क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब जानती थी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पहले रात में जो है वो मूड ऑफ होता था कसरत शराब नोशी की वजह से, अब जो है वो दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं रह गया। अल्ताफ साहब के लिए दो नस्लें तबाह हो गई हैं। आज पूरी माजिर कम्युनिटी को, पूरा पाकिस्तान इस आदमी की वजह से रॉक एजेंट तसव्वुर करता है। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो, शहरे यार में ये उदासियां कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो। कराची के मंजरनामे में एमक्यूएम की सियासत में मुस्तफा कमाल ने कमाल की एंट्री दी है। किसी की नजर में ये ड्रामा है जिसका क्लाइमेक्स अभी बाकी है, तो किसी की नजर में पार्टी तो अभी शुरू हुई है। कहा जा रहा है कि 1992 में आमिर खान और आफाक अहमद की बगावत के बाद पहली बार कोई अंदरूनी चैलेंज एमक्यूएम के लिए कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के लिए सामने आया है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि 1992 में कायदे तहरीक अपने उरूज की जानिब गामजन थे, जबकि आज वो दीगर मसाइल के साथ साथ तिबई जवाल का भी शिकार हैं। और ऐसे वक्त में एमक्यूएम का पोस्टर बॉय मुस्तफा कमाल उन पर इल्जामात की बोछार कर रहा है, और एमक्यूएम की बहुत सी खराबियों का, इल्जामात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन को करार दे रहा है। बहरहाल, अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल ने बहुत अरसे से बंद अपनी जबान क्या खोली, नित नए सवालात ने सर उठाने शुरू कर दिए। ये कैसा जमीर है जो इतने अरसे बाद जागा है, खुद जागा है या जगाया गया है, और इस जागने का कोई असर एमक्यूएम पर भी पड़ेगा? बात कराची की हो रही है, कराची की सियासत की हो रही है, कराची की नुमाइंदा जमात की हो रही है, यानी एमक्यूएम की हो रही है। इसलिए जरूरी था कि इस मौजू पर प्रोग्राम में एमक्यूएम मौजूद हो, अपने ऊपर उठने वाले सवाल आपका खुद जवाब दे। लेकिन आज एमक्यूएम का ये फैसला कि वो इस मौजू पर होने वाले प्रोग्राम्स में शिरकत नहीं करेंगे, हमारे लिए मुस्तफा कमाल के इल्जामात की तरह एमक्यूएम का ये फैसला भी हैरानकुन है। क्योंकि अगर मुस्तफा कमाल गलत हैं, तो गलत को गलत साबित करने के लिए टीवी स्क्रीन से बेहतर प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है? लेकिन शायद एमक्यूएम इस मौजू पर खामोश रहना चाहती है, तो एमक्यूएम को खामोश रहने देते हैं। और हम इसी मौजू पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे।